अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत के साथ हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मॉर्निंग टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। दो तीन दिनों से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, अजीब अजीब सा हो रहा था। मैंने कहा चलो भाई आज से ही व्लॉग बना लेते हैं। तो यहाँ पर जी ठंड आ चुकी है, हमने अपने ब्लैंकेट्स निकाल लिए हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं हमारे तो ठंड की वजह से जो है ना मैंने ब्लैंकेट्स में इनको कहा कि थोड़ा सा सुकून करो। अभी मेरी हेल्पर आ चुकी थी क्योंकि आज था जी मशीन डे। वैसे पहले मैंने कोई दिन फिक्स नहीं किया था लेकिन अब मैंने फिक्स कर दिया है। पहले मैं कहती थी भाई आप किसी भी दिन कपड़े वॉश कर लें जिस दिन आपको सहूलत हो या जिस दिन मेरे थोड़े कपड़े जमा हो जाएँ, क्योंकि हमारी अभी इतनी फैमिली नहीं है ना दोनों बच्चों के, तो वो डेली वॉश कर देती हैं हाथ से और फिर जो है ना मशीन वाले दिन जो है फिर थोड़े बहुत कपड़े बेडशीट तौलियाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर पता है प्रॉब्लम ये हो रही थी, कभी मुझे कहीं जाना पड़ जाता था, कभी उनकी तबीयत ख़राब, कभी वो कहीं बिजी, तो फिर हमारे जो है ना कपड़े अच्छे खासे हो जा रहे थे। और हमारा जो फ्लैट है उसमें ढेरों ढेर कपड़े की जगह नहीं है कि हम इतने सारे जो है ना वो ड्राई कर सकें। तो मैंने कहा भाई आप मेरे भी दिन फिक्स कर दें, और अब दिन फिक्स कर दिया तो कपड़े थोड़े ही थे लेकिन बस यही कि दिन फिक्स है तो उन्होंने आज वॉश करने थे और वो जल्दी आ गई थी। फिर मैंने कहा चले इनको कपड़े मैंने समझाने के बाद अब कहा कि चलो जी उठ जाओ फ्रेश हो जाओ और मेरा जो है वो ब्रश करती हैं। और बच्चों की अकल देखें, मैं सिर्फ ब्रश दे देती हूँ क्योंकि मेरा को ना अभी ठीक से ब्रश करना आता नहीं है। और वो कहती है कि नहीं, उसने देखा हुआ है कि हम जब ब्रश करते तो हम तो वाइट टूथपेस्ट भी लगाते हैं, तो बच्चे आजकल हमसे ज़्यादा समझदार हैं। उसने कहा खाली खाली ब्रश में मुझे ना टहलाओ, चलो टूथपेस्ट भी दे दो मामा। अब खैर आज मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुकी थी और यही डेली की होती है। हेल्पर मेरी लेट आती हैं, आज वो जल्दी आई हैं, और बस इस तरह से मैं मेरा को सबसे पहले लेकर आती हूँ, उसे ब्रश करवाती हूँ, उसे फ्रेश करवाती हूँ, इसके बाद जो है ख़ुद फ्रेश होती हूँ, फिर मैं जाकर अनायरा को देखती हूँ, अनायरा के डायपर वायपर चेंज किया और ये सारी चीज़ें, इसके बाद मैं आ जाती हूँ भाई किचन में, जैसे कि अभी आ चुकी हूँ। और आने के बाद सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ, और चाय जो है मैं आज थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ। जब जब मशीन होती है ना हमारी तो हेल्पर थोड़ी देर तक होती है घर पर, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें कुछ खाने पीने के लिए दूँ। चाय तो मैं डेली देती हूँ लेकिन ये है कि मैं चाय के साथ कुछ रोटी पराठा कुछ ऐसी चीज़ें उनके लिए भी बना देती हूँ। डेली खाने का टाइम है अभी, मम्मा ब्रेकफास्ट बना रही है ना, ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद। शुगर तो नहीं खाना? नहीं। ये क्या खा रही हो सुबह सुबह? बर्गर। अच्छा क्या खाना है जल्दी से बोल दो। नाश्ता क्या करना है? ब्रेकफास्ट। गुड, बच्ची अंग्रेजी है भाई, अम्मा उर्दू में सिखा रही है, बच्ची यहाँ वहीं अंग्रेजी बोल रही है, ब्रेकफास्ट। खैर जी यहाँ पर हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था और इसके बाद मैंने पार्सल मंगवाया था, मतलब दराज से मैंने चीज़ ऑर्डर की हुई थी। अभी जो है ना 11:11 सेल लगी हुई है और मैंने सोचा कि चलें यहाँ पर जो है वो स्टेक मंगवा कर देखते हैं। वैसे मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है दराज वालों के साथ, मैंने दराज से कभी कोई चीज़ ऑर्डर नहीं की, इवन मुझे ऑर्डर करना भी नहीं आता था। मैंने अपनी बहन से पूछा क्योंकि वो बहुत चीज़ें मंगवाती है, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा। तो यहाँ पर जो है वो जी 11:11 सेल लगी थी, मैंने सोचा स्टेक मंगवा कर देखते हैं, थोड़े कम खर्चे वाली चीज़ मंगवाते हैं ताकि फ्रॉड हो, क्योंकि सुना हुआ है कि दराज में बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं। तो ऐसा नहीं है, सम टाइम कुछ लोग करते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो इस तरह से मैंने कहा चलो जी कम चीज़ें जो है ना थोड़ी सस्ती वाली मंगवाकर हम चेक कर लेते हैं, जिसमें हमें दुख भी ना हो कि अगर हमारे साथ फ्रॉड हो जाए, तो थोड़ी कम पैसों वाली चीज़ मंगवाते हैं। और यहाँ पर मुझे खुशी इस चीज़ की हो रही थी कि मैंने जो चीज़ मंगवाई है वही चीज़ मुझे रिसीव हुई है और शेड भी वही भेजा था उन्होंने। खैर अभी मैं ना आज यहाँ पर अपनी हेल्पर से पूछ रही थी, आंटी आप ही आज मुझे कोई मशवरा दे दें मैं आज क्या खाना बनाऊँ, क्योंकि मुझे ना रोज़ रोज़ समझ में नहीं आती। तो आंटी ने कहा बाजी चिकन बना लें, बिरयानी बना लें। मैंने कहा बिरयानी तो मैं बनाती ही नहीं हूँ क्योंकि जो है वो हस्बैंड मेरे बिरयानी नहीं खाते, अब मैं अकेले के लिए क्या बिरयानी बनाऊँ। तो उन्होंने कहा ना, और मैंने कहा कि फिर ऐसी चीज़ बताएं चिकन का सालन, चिकन बीफ, इन चीज़ों से हट करो। वेजिटेबल्स मैंने कल ही बनाई थी, तोरैयाँ बनाई थी भाई मैंने। तो उन्होंने कहा भाई जी अंडे के आलू के सालन बना लो। तो बस फिर मैंने सोचा चलें जी अंडे का सालन बना लेते हैं, साथ में आलू भी ऐड करूँगी। बहुत सारे लोग सालन जो है वो सिर्फ अंडे के साथ ही बनाते होंगे, मैं भी बनाती हूँ समटाइम, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था मैं इसमें आलू भी ऐड करूँ क्योंकि मैं आज इसके साथ ना बॉयल्ड राइस बनाने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से मैं बॉयल्ड राइस नहीं बना रही, तकरीबन एक वीक हो गया होगा, और जस्ट रोटी पर गुजारा कर रहे थे हम, क्योंकि ना आफ्टरनून पे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। सालन वगैरह मैं शाम में बना लेती हूँ तो फिर नेक्स्ट डे हम वही रोटी के साथ खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो आज हेल्पर ने आइडिया दे दिया है तो ये बना लेते हैं चिकन बीफ से हटकर, क्योंकि हमारे पास और बचता ही क्या है घूम फिर कर रोज़ वही चिकन या फिर वेजिटेबल्स जो है ना, बहुत लिमिटेड से वेजिटेबल्स मैं बनाती हूँ जो हम खाते हैं, भिंडी करेले ये चीज़ें तो हम खाते ही नहीं, तो मैं बनाती भी नहीं हूँ। और अंडे आलू का सालन जो है ना वो विंटर
विंटर्स के मौसम में ही अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मियों में तो मैं वैसे भी अंडे बहुत अवॉइड करती हूँ। और ये है जी बॉयल्ड एग, तो ये तो विंटर्स के लिए वैसे भी बेस्ट है। अच्छा, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीकों से बनाते होंगे, मैं यहाँ पर किस तरह से बनाती हूँ, मैं पहले ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ अंडों को और आलू को, और जस्ट अंडे से बनाए तो अंडे फ्राई कर लेंगे, फिर यहाँ पर जो है ना अनियन को थोड़ा सा ब्राउन करके टोमेटो पेस्ट बना लेती हूँ दोनों को एक साथ, और फिर दही में थोड़े बेसिक मसाले मिक्स कर लेती हूँ जो घर के, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर और ये सारी चीज़ें होती हैं। कलर इन्हेंस के लिए थोड़ा सा मैं फूड कलर ऐड कर देती हूँ, फिर यहाँ पर ना थोड़े से ऑयल में हम गरम मसाला और उसके बाद जो हमने टोमेटो पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे, फिर साथ दही को ऐड कर देंगे जो हमने मसाले से तैयार किया था, और फिर थोड़ा सा मसाला जब भुन जाए ना तो फिर हम इसमें अंडा और आलू ऐड कर देंगे। अगर ग्रेवी रखना चाहें थोड़ी ज़्यादा तो पानी ऐड करूँगी, क्योंकि आज मैं राइस बना रही हूँ तो थोड़ी सी ग्रेवी रखते हैं वरना थिक रखते हैं। रेडी जल्दी बताओ। अल्लाह बॉक्स चेंज कर दिया है? हाँ ना, ये कलर थोड़ी होता था, ब्लू कर दिया अब तो। आराम से यम्मी यम्मी डोनट्स फ्रेश हैं। पहले ही इसने ना कुमाल खा के ख़राब कर दिया फेस। यम्मी है डोनट्स, जल्दी से खा के बताओ कैसे हैं। यम्मी यम्मी डोनट्स। अभी फेस वॉश करवाया, बहुत बुरा हाल कर देती है कोमल वगैरह खाकर। जी डोनट कौन है? डोनट कौन है, तो डोनट खा लो ना। तो यातिब जो है फरजान गए थे किसी काम से, तो मैंने कहा मेरे लिए डोनट लेकर आइएगा, काफ़ी दिन हो गए ना डोनट्स नहीं खाए, और जो है फरजान के अच्छे होते हैं। इसके अलावा डंकिन के मज़ेदार होते हैं, लेकिन अगर यहाँ कहीं हैं तो फिर फरजान के अच्छे होते हैं। कैसे हैं मेरा यम्मी डोनट्स? ये मेरी चप्पल पड़ी, इग्नोर दी चप्पल, और यहाँ पे सारा फैलावा किया क्योंकि मैं मेरा के साथ बैठी हूँ और हम दोनों खेल रहे थे टॉयज के साथ, है ना मेरा यम्मी यम्मी डोनट्स। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मेरे पास जो एक क्वेश्चन आया था उसका मैंने आंसर तो कर दिया है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे पर्सनल होना बिल्कुल भी नहीं पसंद। बहुत सारे लोग होते हैं ना पर्सनल लाइफ पे डिस्कस कर रहे होते हैं यहाँ पर यूट्यूब पर, मैंने भी देखा है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़ाहिर है देखने वालों को कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने उसका रिप्लाई कर दिया है कि हम क्यों नहीं रहते साथ, और ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी पर्सनल नहीं हो सकती क्योंकि मुझे पर्सनल होना बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर हम एक कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, सिंपल सी एक मिसाल है, अगर लड़की किसी कंपनी में या कहीं पर ऐसी प्राइवेट जॉब कर रही होती है तो वहाँ पर उससे ये चीज़ें नहीं पूछी जाती, वहाँ पर उसके काम से मतलब रखा जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिखा रहे होते हैं ना उसको देखो और इन्जॉय करो, इन चीज़ों पर जो है ना मुझे कभी भी बिल्कुल बात नहीं करनी होती। इवन मैं मेरा कि कोई चीज़ ऐसी हो रही होती तो नहीं बनाती वीडियो, और स्टार्ट से मैंने यही कहा है। हाँ, मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे आइडिया है कि मुझे यहाँ पर 10 चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, और 10 तरह के दो लोग आएंगे, 10 तरह की कमेंट्स करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए क्लेरिफिकेशन दे रही हूँ कि बस जो मैंने कुछ बता दिया वही सारा कुछ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आतिफ के अब्बू का इंतकाल हो चुका है काफ़ी टाइम पहले, और इवन मेरी शादी भी नहीं हुई थी उससे बहुत पहले आतिफ के अब्बू का इंतकाल हो गया था, और बहन जो है वो एक ही हैं, मैरिड हैं, अक्सर आती हैं घर पर, हम भी जाते हैं, व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए हुए, मैके वालों के साथ भी बनाती हूँ, ससुराल भी जाती हूँ, वो लोग आते हैं, तो उनके साथ भी आपको मेरे पास बहुत सारे व्लॉग्स दिख जाएंगे, नज़र आ जाएंगे, जो मेरे साथ स्टार्ट से हैं उनको पता होगा। तो बस ये बात है कि प्रोफेशनल होने में पर्सनल होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, किसी की जो पर्सनल लाइफ होती है ना वो कोई भी यहाँ पर शेयर नहीं करता, यहाँ पर सिर्फ आपको एंटरटेन करने का मकसद होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पका रहे हैं, कभी कोई चीज़ सिखानी होती है वो सिखाते हैं, कभी कोई आप लोगों की फरमाइश होती है वो पूरी हो रही होती है, तो इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं ना। मैं नहीं समझती कि यूट्यूब पर कोई भी अपनी बिल्कुल पर्सनल वाली लाइफ, बहुत कम है ऐसे भी कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको अच्छा पैसा कमाना, पैसा 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 उनकी वजह से करते हैं। मैं आज ये भी क्लियर कर दूँ कि भाई मुझे कोई पेमेंट रिसीव नहीं हो रही, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि मुझे यहाँ से जो है ना बहुत सारी पेमेंट मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक और बात है कि हस्बैंड की जॉब क्या है, हस्बैंड क्या जॉब करते हैं और सब कुछ तो है, फिर भी क्या पैसे के पीछे भाग रही हो जो ये चीज़ें कर रही हो, इस तरह के कमेंट्स आते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह की सोच होती है, जिस तरह के लोग आते हैं वो वैसे ही कमेंट्स करते हैं। हस्बैंड की जॉब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, माशाल्लाह से सारी चीज़ें वो पूरी करते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि मुझे कोई पेमेंट रिसीव हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसका प्रोसेस स्लो है और यहाँ पर मैं जस्ट अपने शौक की वजह से वीडियो बना रही हूँ, तो छोड़ भी देती हूँ फिर बनाती हूँ फिर करती हूँ, तो बस दिल है, शौक है। अगर मेरी कोई मजबूरी होती तो जाहिर सी बात है मैं किसी न किसी तरह करके डेली के व्लॉग्स अपलोड कर रही होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई मजबूरी नहीं है, तो शौक है, शौक की वजह से मैं यहाँ पर वीडियोस बना रही हूँ।
और पता नहीं कब तक बनाती रहूँगी। तो अभी जो है आगे मज़ीद आप लोगों को मज़ेदार व्लॉग्स मिलने वाले हैं, शादी व्लॉग्स, इस तरह की चीज़ें शेयर करती हूँ यार, अच्छा भी लगता है, एक मेमोरी सेव हो जाती हैं, बस ये बात है सारी ना। ऐसे कोई पेमेंट वेमेंट मुझे रिसीव नहीं हो रही, अल्लाह का शुक्र, हस्बैंड मेरे जो है ना वो सारी चीज़ें पूरी करके देते हैं। और ये भी एक पर्सनल ही क्वेश्चन था कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, भाई कहीं ना कहीं तो करते ही है ना, तो ये वाली बात है। बाकी प्रोफेशनली रहना तो पर्सनल ना हुआ करो यार, ये बताना था। और बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मेरा जो है वो कुमैल इन्जॉय कर रही है यार। कौन कौन कुमैल शौक से खाता है ये देखो, मेरा जो है ना फ्रिज से निकाल कर लेकर आ जाती है, हम लेकर आते हैं, मैं लेकर आती हूँ डेजर्ट वगैरह के लिए, मेरा जो है ना इसको कहती मैं स्पून से खाऊंगी, तो मेरा को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो जब जब फ्रिज ओपन करती हूँ ना मैं छुपाती रहती हूँ इसके साथ। तो यार बस यही सारी बातें करनी थी आप लोगों के साथ, आई होप कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होगी और समझ आ गई होंगी कि किसी की लाइफ में ना पर्सनल इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। मतलब अभी मैंने रिप्लाई कर दिया लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकूंगी कि आगे क्या है नहीं है कैसा है। हाँ अच्छी चीज़ें पूछे, कुछ ऐसा हो कुछ भी पूछ लिया करें, कोई फरमाइश कर दिया करें, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करूँगी अगर मुझसे हो सका जितना। तो यहाँ पर करते हैं अपने व्लॉग को, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लंबा हो जाएगा व्लॉग इसलिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाना, और 5K करवा दो गिव अवे मिलने वाला दोबारा से। बाय बाय।